कार्डियो के बाद मैं करूंगी अपना शोल्डर। मोटिवेशन खुद से भी आता है। तो गाइस ये ऐसी वैसी बेल्ट नहीं है, इस बेल्ट को बंद करने के लिए भी दम चाहिए। और मान जी जैसा पार्टनर मिले ना, जिम पार्टनर, बस गुड्डू नहीं, योर टाइम स्टार्ट हो गया, आपकी एक्सरसाइज खत्म। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार। तो आज मैं करने वाला हूँ बैक का वर्कआउट और पायल को करवाने वाला हूँ शोल्डर। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं बैक का, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं मजेदार से। तो ये शूट वूट फारिक हो गए हैं बहुत स्टाइलिंग की, तो मैंने सोचा आप कुछ दिनों के लिए ये स्टाइल रखेंगे, थोड़े से बालों को पोषण मिल जाएगा, रोज हम तेल वेल कर सकते हैं, स्टाइलिश में थोड़े दिन बंद रखूंगा। तो वेट है मेरा 84 और 84 में 8 से 10 निकल जाते हैं, काफी होता है। इसके 3 सेट करने वाले हैं। तो भैया हमारी पहली जो एक्सरसाइज है हम करेंगे फ्रंट पुली पुश डाउन। पायल मैडम आ चुके हैं यहाँ पे, गोलू बच्चों को संभाल रही है। स्ट्रेचिंग बॉडी स्ट्रेचिंग हो चुका है, अभी मैं कर रही हूँ पहले सबसे पहले कार्डियो, कार्डियो के बाद मैं करूंगी अपना शोल्डर। अगर आपको मोटिवेट होना है तो खुद से हो जाओ, कुछ करना है। अगर ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया ना तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया। वर्कआउट करो खुद की मोटिवेशन से करो, साथ साथ एक मजेदार सा कोच हायर करो। अगर कोच नहीं है, आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे कोच यूट्यूब पे आ चुके हैं, नामी ग्रामी, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, उनकी गाइडलाइन में चलो और अच्छी सी बॉडी बनाओ। ये है मेरी सेकंड एक्सरसाइज। तो गाइस एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास, कमेंट आया है मोनिका का। मोनिका पूछ रही है, हेलो मैम, अगर वेट लूज करना है तो सुबह जिम करनी चाहिए या फिर शाम? प्लीज मैं रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं इतने सारे आपको मैसेज करती हूँ, आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है, प्लीज मैम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। तो मोनिका जी बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देती हूँ। देखो एक चीज होती है, आपको सिर्फ वर्कआउट करना है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको टाइम कब मिलता है। जब आपको टाइम मिले आप उस टाइम वर्कआउट कर सकते हो, और आप एक फिक्स टाइम बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे क्या आपका रूटीन बना रहेगा, और रूटीन बना रहेगा तो बिल्कुल आपका वेट लूज भी होगा। और इसके साथ साथ आप अपनी डाइट को भी थोड़ा चेंज कीजिएगा, अगर आप ऑयली फूड वगैरह ज्यादा खाती है तो उसे बिल्कुल कम कर देना और नॉर्मल डाइट पे आ जाना, तो देखना कितनी जल्दी आपका वेट लूज होगा। थर्ड एक्सरसाइज करने वाले डेडलिफ्ट, और डेडलिफ्ट बहुत जबरदस्त मजेदार एक्सरसाइज है लोअर बैक, तो बस इसके हम करेंगे 4 जान से लगना चाहिए। कार्डियो हो गया है। कमेंट है अजी रमन का, वो लिख रहे हैं हाय पायल दी विदाउट अरमानसर एंड गोलू दी इट्स सेल्फ मोटिवेशन, लव यू मलिक फैमिली। तो बिल्कुल ऐसा तो है देख, लेकिन अरमान जी ने मुझे कॉल करके भी बोला था बेटा आज का वर्कआउट कर लियो। मोटिवेशन खुद से भी आती है, और कुछ अरमान जी हमें पुश करते हैं ना उससे ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और उसके बाद ही जो देखो आज भी मेरा जिम करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पापा अरमान जी आए, उन्होंने बोला बेटा वर्कआउट के लिए 1 घंटा निकाल ले, तो मैं फिर से आई और अपना वर्कआउट यहाँ पे कर रही हूँ। और बस ऐसे ही मोटिवेट वो करते रहते हैं और हम उसी के सहारे पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ रही हूँ कोमल प्रीत का, वो लिख रही है पायल मैम आप जो प्रोटीन लेते हो ब्लॉग में दिखाना प्लीज, मुझे भी स्टार्ट करना है, मेरा डिलीवरी के बाद बहुत वेट गेन हो गया है और मैं भी जिम स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका जो आंसर है ना वो ज्यादा अच्छा देंगे अरमान जी, क्योंकि प्रोटीन वगैरह की जो नॉलेज है ना वो अरमान जी को बहुत अच्छी है, तो अरमान जी देंगे इसका जवाब। देखो अगर आप जिम जाते हो या फिर आप घर रहते हो, सबसे अच्छा है आप ना ओन का एक प्रोटीन ऑर्डर कर लें, ओन की साइड से बाहर से आएगा। देखो क्या ना कि हर जगह डुप्लीकेशन भी चलती है, यहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट बेचते हैं, अपना ओन की साइड पे जाके ही वहाँ से परचेज, और आइसोपर भी ले सकते हैं। अगर आप देखो प्रोफेशनल हैं, एथलीट हैं, वो कुछ चीज़ें फिर आपको डिपेंड करना पड़ता है कि हमें क्या लेना है। आप नॉर्मल जिम जाते हो तो आप ओन का प्रोटीन ले सकते हो, अच्छे से इनटेक हो जाए। तो मेरा नेक्स्ट कमेंट है, नाम नहीं है पर कमेंट है उनका, पायल मैम मुझे टमी और ब्रेस्ट की एक्सरसाइज बताओ ताकि वो कम कर सकूं, मेरा भी सी सेक्शन हुआ है 3 इयर्स पहले और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और मेरा वेट जो है जल्दी से कम नहीं होता है, तो प्लीज कुछ डाइट और एक्सरसाइज बताओ। इसका जवाब अरमान जी देंगे ज्यादा। सबसे पहले तो देखो अपने रूटीन में ना वर्कआउट ऐड करो, जब आप वर्कआउट ऐड करोगे ना थायराइड वायराइड सब भाग जाता है, और फिर एक अच्छे डॉक्टर की सलाहकार से आप छोटी मोटी मेडिसिन जो आपको डॉक्टर सलाह करे वो शुरू करें। बात रही वर्कआउट, आप चेस्ट का वर्कआउट करें और कार्डियो ऐड करो। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं, चीकू के टाइम पे मुझे थायराइड हुआ था और आज के टाइम थायराइड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीकू के टाइम पे भी मैंने अपना बहुत सारा वेट लूज किया था जिम के साथ और डाइट के साथ, और अब भी बार फिर से मैं करूंगी और मेरा थायराइड पहले ही खत्म हो। फाइल कर रही है शोल्डर का वर्कआउट, बहुत दिन बाद स्लोली। ओके
क्रैम्प नहीं आ गया भैया, थोड़ा पेन तो होता ही है। तो अभी मैंने करा है मशीन शोल्डर प्रेस, इसके मैंने 3 सेट करने हैं और 3 सेट में हर एक सेट में 15 रेपिटेशन डालने हैं। तो मेरा पहला हो गया है, अभी 2 और। तो गाइज ये ऐसी वैसी बेल्ट नहीं है, इस बेल्ट को बंद करने के लिए भी दम चाहिए, तो मैं तो नहीं लगा पाई, इन्होंने खुद ही अपना बेल्ट को बंद। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ना चाह रही हूँ दर्शना पांचाल का। हाय पायल दी, मेरा सी सेक्शन हुआ है, 4 मंथ हो गए हैं, क्या मैं अब बेली फैट कम करने की एक्सरसाइज कर सकती हूँ? तो दर्शना जी मेरा आंसर ये होगा, देखो अभी मुझे 2 मंथ्स हुए हैं, तो मैं अभी जो कर रही हूँ कार्डियो कर रही हूँ और अपर बॉडी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो अभी मैंने लोअर बॉडी शुरू नहीं करी है, वो मैं शुरू करूंगी 4 मंथ के बाद। तो आप भी जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लोर कार्डियो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और उससे जो है आपका जो बेली फैट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोबारा से दर्द हो रहा है हाथों में, मेहनत लगती है यार, घर बैठे कुछ नहीं बनती, ना बॉडी बनती, ना सक्सेस बनती, ना फ्यूचर में कुछ होता। बहुत भारी है, सच में बहुत भारी है, जान निकल जाती है, उफ निकल जाती है ना। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ सुख जीवन कुमार का, वो लिख रहे हैं यू आर बेस्ट पायल, बहुत मुश्किल होता है जुबान पर कंट्रोल करके वेट लूज कर जिम करना, क्योंकि मुंह पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, गॉड ब्लेस यू। तो इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अरमान भैया। मैंने जुबान पे बोलने के लिए भी कंट्रोल कर रखा है और खाने के लिए खाना, इसलिए जब आप कहीं जाते हो कुछ भी पहन सकते हो और मजेदार लगता है, जुबान पे इसलिए अगर हम भी किसी को गंदा बोलेंगे वो हमें गंदा बोल रहा है, दोनों एक जैसे हो जाए, उसमें और हमने कोई फर्क नहीं। पायल मैडम करिए डंबल सेट रहे, चलो अब देखना कैसे करेंगे। अरमान जी जैसा पार्टनर मिले ना, जिम पार्टनर, तो बंदा बहुत जल्दी वेट लूज कर सकता है। और ये अब हाँ सामने देख रही हूँ, बस बस गुड्डू बस बटा नहीं बस ओ बस हाथ दर्द हो आधा बोला फ्रंट डंबल से ऐसे हम करते हैं। तो भैया ये कंपटीशन होने वाला है शानू और मेरे बीच, चले मैं वर्कआउट करूँ, टाइम देखना, एक मिनट जॉब करूँ जॉब, ऐसे थक जाओगे। मैं उसी को उठाऊंगा पहले, इधर आओ, मैं टाइम वॉच लगा, इधर आओ, टाइम वॉच लगा, स्टॉप वॉच, मैं शानू बेटे बोलूंगा, इधर रखियो, एक मिनट जॉब। भैया शानू को जितवाना मेरी मजबूरी है, जितनी कहेंगे उसकी जिम थी और मान जीत गया। चलो करें स्टार्ट, हमने ट्रायल Your time start now. ये क्या हो रहा है? Now. Om Jai Jagdish Hare. नंबर गाओ. Om Jai Jagdish Hare. Corporate. भाई गाओ. अच्छा वो गाएंगे तो उनका माइंड हो जाएगा, फिर वो ज्यादा देर रख सकते हैं, रख लेगा 1 घंटा। चलो भैया 1 घंटा लगाते हैं आपका टाइम ना, करके रखना खतरनाक शानू भाई, 1 मिनट होने वाला भैया, बस 2 सेकंड बचे 1 मिनट होने में, डाउन आता बस होने वाले हैं, बस समझो हो ही गए, आधा सेकंड हो रहे हैं बस, हो गया भैया, क्या बात है शानू भैया, शानू भैया का मुंह बन गया भैया, बस 50 सेकंड अभी तो ये आधा हो गया, उन्होंने रख दिया था 50 था यहाँ, चलो गुड्डू आपके 51 सेकंड। और ये क्या होता है भैया? मैं बहुत देर से वर्कआउट कर रहा हूं, ये टोटली 52 सेकंड है, ठीक है 52। मैं अगर मैं हार भी जाऊं तो समझना मेरी हार में जीत है, आपने इतना सारा एक्सरसाइज भी तो किया है। चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ, बहुत दम लगता है भाई, कहना है हार गया कोई फायदा नहीं ना, बोले शानू भाई हमारे बड़े भाई, भाइयों से हम कंपटीशन नहीं करते, जिनकी बता भी पाते अरमान जी कभी भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते, अपनों के साथ नहीं करते, अपनों के साथ बाहर वाले। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ तन्वी का अरोड़ा का, वो लिख रही है पायल दी आपकी रसोली ऑपरेशन हो जाए, सो मच ब्लेसिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, आप मेरे बहुत मोटिवेशन है, और आप फैमिली के लिए आपके बच्चों और तुबा आयान जैद और चीकू के लिए सो मच लव सपोर्ट फॉर योर लव फ्रॉम गुजरात गाजियाबाद। तो थैंक यू सो मच ब्लेसिंग देने के लिए और मेरे बच्चों को इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, और आप सभी की दुआएं होंगी तो मेरा जो भी ऑपरेशन होने वाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा और मैं बहुत ही जल्दी रिकवर भी करूंगा। तो मैं निकल रहा हूं अभी हॉस्पिटल के लिए, गोलू की कॉल आई है और उसको ना सुबह से लूज मोशन है, बाहर ट्रैवल कर रहे थे, बाहर बाहर का खा लिया है, निकल रहा हूं हॉस्पिटल के लिए, ठीक है तू कर ले, बस मैं भी थोड़ी देर में नीचे चले जाऊंगी क्योंकि बच्चे नीचे है ना, हो गया आज एक्सरसाइज खत्म गाइस, अरमान जी चले गए घर, मैं भी जा रही हूँ, मेरी मोटिवेशन इतनी थी यार। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ रही हूँ राघव वर्मा का, वो लिख रहे हैं पायल दी ऑर्गेनिक सेहत से टमी अंदर हो जाएगा, मैं कोई वेट नहीं उठा सकती और ना ही मैं जिम कर सकती हूँ, गोलू दी और पायल दी आई लव यू द, मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ शुरू से लेकर अब तक, जब आपने शुरू किए थे तब से अब तक, मेरे को आप इतने बहुत 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 पसंद हो, तो आपने ट्विंस बेबी को जन्म दिया है, गोलू दी ने एक बेबी को जन्म दिया है, उसके बाद भी आप इतनी जल्दी वेट लूज कर रहे हो जी, बिल्कुल आप अगर जिम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप सुबह सुबह जैसे उठते हो उठते ही लुकवर्म वाटर, उसमें ऑर्गेनिक शहद जो कि शहद निकाल के डायरेक्ट जो बेचने आते हैं या फिर कोई अच्छी ब्रांड का ऑर्गेनिक शहद आप ले सकते हैं, और उसमें नीम हाफ मतलब 1 नींबू का 1/4 हिस्सा आप ये रोज अपने रूटीन में रखिए, और ऑयली फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, इग्नोर ही कर, आप उबला हुआ खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, और अगर हो सके तो वॉक कर लीजिए, अगर आप जिम नहीं कर सकते तो वॉक तो कर ही सकते होंगे, इससे जो है आपका वेट लूज हो जाए। नेक्स्ट कमेंट है किरण कपूर का, वो लिख रही है पायलिटली गेटिंग इन अ शेप, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा किरण जी, मैं बहुत जल्दी अपनी वापस से शेप में आऊंगी, और आप सभी के लिए बस इतना ही कहना आज
आज का ये लास्ट मेरा कमेंट था कि स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट फिटनेस व्लॉग।